रूस से लंबी जंग की तैयारी में जेलेंस्की हैं। विदेशों से वहां जो उनकी फौज है उसे बुला लिया गया है, उनकी तमाम फौज जो विदेशों में तैनात थी उसे वापस बुलाया है और ये कहा जा रहा है कि अपने ही मुल्क की अस्मिता की लड़ाई, अपने मुल्क की संप्रभुता की लड़ाई के लिए अब यहां पर इस फौज को बुलाया गया है। तो एक तरफ हौसले जो हैं वो जेलेंस्की के लगातार बुलंद हैं, वो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि देखिए हम भागेंगे नहीं, डटे हैं, अपनी फौज को बुला रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में आइए, अपने मुल्क की लड़ाई लड़िए, देश की लड़िए, देश की संप्रभुता, उसकी अस्मिता, उसके कल्चर पर ये खतरा है। वहीं दूसरी तरफ रूस के अपने दावे हैं। लेकिन जब हम जंग के 13वें दिन खड़े हैं तो श्वेता तमाम तस्वीरें जो आपने वहां से भेजी वो हम दिखा रहे हैं। हम दिखा रहे थे कैसे शहर दर शहर बर्बाद हो रहे हैं। आप वहां लगातार रिपोर्टिंग कर रही हैं, जरा बताइए इरपिन से लेकर कीव तक क्या कुछ आपने आंखों से देखा, आप उसे बताइए। और अगर किसी मेहमान को भी आप सवाल कर रहे हो तो वो आपसे पूछ सकते हैं। ये जितनी शेलिंग हुई है ना, जितने रॉकेट फायर किए गए हैं इन शहरों के ऊपर, कीव में कम से कम 3 जगहों पर मैंने उसके निशान देखे, हमने वो तस्वीरें कैद भी की थी शुभांकर। इरपिन तो लगभग आप ऐसे समझ लीजिए इतनी ज्यादा वहां पर बमबारी चल रही है कि उस बमबारी के बीच आपको बहुत ज्यादा बर्बादी हर तरफ दिखती है। घर तो खाली अब धीरे धीरे वहां के हो गए हैं, लेकिन जो ढांचे भी वहां पर खड़े हैं वहां पर भी, और खासकर देखिए खारकीव के इलाके में मैं नहीं जा पाई हूं अभी तक, लेकिन वहां की तस्वीरें तो जरूर निकलती हैं और हमारे संवाददाता वहां पर भी हमारी जो स्थानीय संवाददाता है वो वहां से तस्वीरें भेजती रहती हैं, तो वो तस्वीरें भी हमारे सामने निकल रही हैं। कीव शहर की ये तस्वीरें हैं, इरपिन की बर्बादी सारी दिख रही है। ये चीजें सच्चाई है, इनमें से कुछ ऐसी तस्वीरें जरूर अचानक निकल आती हैं जो दोनों तरफ में से किसी एक का प्रोपेगेंडा साबित हो जाती है, लेकिन इसके प्रत्यक्ष निशान हम सबके सामने हैं जो हम सबको दिख रहे हैं। अब इस जंग को जो हम शुरुआत से सोच रहे थे शुभांकर, और उसमें रूस की उस ताकत को देखते हुए भी, वाकई अगर रूस ये चाहता कि इस युद्ध को वो एक हफ्ते के अंदर खत्म करना चाहता है तो शायद उसे कोई इसमें दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसकी ताकत उस तरह की है, उसके उपकरण उस तरह के हैं, उसके हथियार वैसे हैं, उसके सैनिकों का प्रशिक्षण वैसा है। लेकिन अगर इस युद्ध को एक हफ्ते में खत्म नहीं कर पाया वो, तो उसकी दो चीजें हैं। एक तो वो शुरू के युद्ध के शुरुआती हिस्से में वो ये पूरी कोशिश करता रहा कि नागरिकों को ऐसा न लगे कि वो उनके खिलाफ है, वो पूरी तरीके से बचते हुए यानी कि अपने हाथों को बांध कर वो हमला करता रहा, और इस वजह से देरी हुई। उतने में क्या हुआ कि जो यूक्रेन है उसे भी हथियारों उपकरणों की मदद मिली और यूक्रेन की जो सेना है वो भी एक रणनीति बनाने में कामयाब हुई, और एक तरह से पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस ही सही लेकिन उसकी आगे की कूच को थोड़ा स्लो डाउन करने में। देखिए अंजाम सबको मालूम है कि क्या हो सकता है इस युद्ध का, कौन ज्यादा शक्तिशाली है, कौन ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस है ना, वो रोक पाने में कामयाब हुए। मुझे नहीं लगता है कि युद्ध को लंबा खींचना उस समय रूस की रणनीति थी, लेकिन उसे अपनी रणनीति को उस हिसाब से बदलना पड़ा है, और आज की तारीख में उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। जितना लंबा खींचेगा उतना ज्यादा रूस को ही नुकसान है। जी, हमारे साथ राजेश पवार भी जुड़ रहे हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, सर श्वेता आपसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं। सर श्वेता जी नमस्कार, आप अपना थोड़ा ख्याल रखिएगा क्योंकि युद्ध जो है वो निर्णायक स्थिति में पहुंचने वाला है। या आपको लग रहा है कि यूक्रेन जहां पर अभी आप हैं वहां पे सारे के सारे नागरिकों के पास हथियार हैं, या बगैर हथियार के ही नागरिक घूम रहे हैं, जो बचे हुए हैं नागरिक हैं वो सच में सबने हथियार उठाए हैं, पूरा जज्बा जोश दिखा रहे हैं कि हम रूसी के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आपको लग रहा है पिछले 3-4 दिन में वहां पे काफी कुछ गतिविधियां हो रही हैं, कोई ऑब्स्टिकल बन रहे हैं, पूरा अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है कि यह सब कुछ नॉर्मल लग रहा है? श्वेता जनरल कुलकर्णी, जितने भी लोगों को यहां से जाना था वो जा चुके हैं, जितने लोग यहां पर मौजूद हैं वो सब यही कहते हैं कि हम अपनी जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे। युद्ध में दरअसल आप जब किसी जगह को छोड़कर भागते भी हैं तो आपकी वैसी ही व्यथा हो जाती है, वैसी ही जिंदगी हो जाती है। अगर आप वहां पर रह जाते हैं तो भी आपको तब भी आप एक रिस्क ही ले रहे हैं, तो दोनों तरफ वो रिस्क देख रहे हैं, तो जो लोग रह गए हैं वो रह गए। यहां पर सर आपको वर्दी पहने हुए ना जो वेटरन्स थे, जो रिटायर्ड थे, वो सब वापस हथियार उठाए हुए अगर दिखते हैं, आप बहुत बुजुर्ग शक्लों को भी देखेंगे उस
में जो कि हथियारों के साथ यहाँ पर खड़े हैं। एक एक चीज जो मुझे अच्छी लग रही है वो ये है कि स्पिरिट इस नेशन का स्पिरिट नहीं टूटा है। ये सब जानते हैं कि जो 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 खतरा है वो मुहाने पर खड़ा है, रूस दुश्मन जो है एकदम मुहाने पर आपकी एंट्री पर खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद ये ऐसा नहीं है कि आप किसी को पीछे हटते देखेंगे। उन्हें मालूम है कि उनके पास वो चीजें नहीं है, वो शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं हम आने नहीं देंगे, जब तक जीवित खड़े हैं तब तक आने नहीं देंगे। और ये स्पिरिट बहुत बड़ी चीज होती है जनरल कुलकर्णी, आप बेहतर समझेंगे, एक युद्ध की स्थिति में, एक युद्ध के क्षेत्र में बेहतर स्थिति होती है।